छोटा डब्बा है, एक चम्मच है मिलाने के लिए, और ये तो आप चम्मचे इस्तेमाल कर ही रहे हो प्रीमिक्स के लिए। अब जो 10 किलो का आपको जो मिलता है प्रीमिक्स, उस 10 किलो में से 1 किलो निकाले हैं आप, और उस 1 किलो को इस डब्बे में डाल और इसको बंद कर दें, और 9 किलो वाले जो है पैकेट उसको बढ़िया से अच्छी तरीके से बंद करके अलग से संभाल कर डब्बे में अपना जो डब्बा है ना आपसे जो कनेक्ट करेंगे उसको बांध कर रखें तो वो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होता है। आप 1 किलो में ये प्रीमिक्स ले लिया, आप बताएंगे अब 10 दिन या 15 दिन जो भी हमारा क्वार्टर की कोटा है ये हमारा इसी डब्बे से चलते रहेगा। इसके पहले मैं क्या करूँगा कि ये जैसे है डब्बा ले लिया, ये डब्बे में थोड़ा सा आटा पहले क्या करते थे कि केमिकल को डायरेक्ट गेहूं में डाल देते थे, अब ये थोड़ा सा आटा ले लिए, आटा के अंदर में मैं ये 5 किलो तो होगा ही गेहूँ, 6 किलो तो मिले, 6 किलो ये जो हमारा है ऐसे ये बराबर से नहीं ले, ये मना ऊंचा है तो इसको कटिंग करना है, ये चम्मच से बराबर कर, ये आ गया हमारा 7.5 ग्राम। इस प्रीमिक्स में हम इसको डाल आटे में डाल, अब ये 6 किलो गेहूँ है तो इसलिए 1 चम्मच और ले लेंगे छोटे चम्मच से, हाँ किलो ले लेंगे, इसको भी उसी ढंग से लेना है कि ऊंचा ना रहे, इसको बराबर कर देना है, ठीक है। फिर इसको उसी तरह से इसको ढक करके रख देंगे, ये बंद हो गया। अब इस जो आटे की मैं प्रीमिक्स मिलाए हैं इसको बढ़िया से रॉड से ये चम्मच से बढ़िया से आटे में मिला, पहले आटे आटे में पहले मिला दिए, कम क्वांटिटी है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बंद करके दो चार बार, ये बढ़िया से मिक्स पूरा केमिकल मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद इसको मैं गेहूं के ऊपर में जैसे चक्की आपने गेहूं में गेहूं चक्की में डाला हुआ है ना, गेहूं का चक्की वही कलर जो है उसमें भी आप डाल सकते हैं, इसको डाल करके बॉलर में जैसे हाथ ना डालें या लकड़ी से करते थे, तो ये स्टील की रॉड है, ये आसान होता है कि साफ करने में भी, इसमें जंग भी नहीं पकड़ता है और साफ सुथरा रहता है, इसलिए कर इसी से लेकर के मैं इसको बढ़िया से दोबारा मिक्सिंग गेहूँ के साथ में ये ऐसे कर दिए, मतलब ये आपकी चक्की है जिसमें गेहूँ, या मैं ऐसे दिखा रहे हैं चक्की पे नहीं जा रहे, चक्की में आपने गेहूँ डाला जितना भी 5, 10, 15 उसी हिसाब से अपना करके प्रीमिक्स इसमें मिला के आटे में थोड़ा सा मिला के और पहले केमिकल इतना सा दिए कॉलर में जाकर के बैठ गया और नीचे चला गया, ये आटे के साथ में रहेगा तो ज़्यादा देर तक ये चलते रहेगा, मैंने एक जगह नहीं गिरेगा, सब जगह पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तरीके से मिक्स हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको डाउट होता हो कि एक ही जगह गिर गया है तो आटे को भी बाद में आप मिला सकते हैं, एक बार मिक्सिंग कर दिए उससे भी प्रॉपर हो जाएगा, ये मैंने नहीं रहेगा कि इसमें आयरन गया और इसमें नहीं गया, ये चीज को करने के लिए जैसे पीसा हुआ आटे को भी ठंडा होने के बाद जैसे गर्म है उसको फिर हाथ लगा के एक बार मिक्सिंग कर दिए तो वो प्रॉपर मिक्सिंग होकर के जाएगा, और जो भी खाएगा उसका उपयोग जो करेगा वो फायदेमंद है, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता।
ये आपने कर लिया बस फिर उसके हल्के साइड चालू जो आटा निकलेगा उसके डायरेक्ट होलर में भी आप कर सकते हैं, होलर में डाल करके आटे को ऊपर से डाल करके फिर रॉड से मिला दिए, फिर पिसने के बाद अगर हमको डाउट होता है कि होलर से बैठ जाता है या कुछ होता है, ऐसा होता है कभी, जब वाइब्रेशन होगा तो आटा बैठ जाएगा और एक जगह गिर जाएगा, तो उस पीरियड में हम क्या करते हैं, गेहूँ जो ये छोटी प्लांट है इसमें वाटर फीडर या कुछ लगा नहीं सकते हैं, तो उसको दोबारा हम आटे को एक बार मिक्सिंग कर दिए, या घर में जाने के बाद जो बंदा ले गया पिसवा करके उसमें भी मिक्सिंग कर दिए, अपना खाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पौष्टिक आटा बोलिए, मैं जैसे पहले बता एक बात, जैसे हमारा जो मकसद जैसे हम आटा पीस देते हैं फिर बाद में प्रीमिक्स मिला तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन क्वांटिटी सही ढंग से नहीं मिला पाता है, मिक्सिंग सही है तो डायरेक्ट इसमें मिला करके ना करने से ज्यादा बेस्ट ना, वो क्या पीस चलता है ऑर्डर ऑन द पार्ट के अंदर जो सिस्टम जो चलते हैं हम, इसमें हीट खाता है, इसके इससे जो पावर होता है एलिमेंट्स इसके जल जाते हैं, इसमें वैसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गरम होकर नुकसान नहीं है तो हम रोटी भी पकाते हैं, काला हो जाएगा, काला सा हां उस समय भी खराब हो जाएगा, काला जो आटा पड़ने का शिकायत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ज्यादा डाल देते हैं प्रीमिक्स तो बढ़ेगा काला, अगर काला पड़ने का कोई चांस नहीं है, अगर थोड़ा मात्रा में डालेंगे और ज्यादा कोई शिकायत करना थोड़ा और मात्रा कम करके डालोगे तो कोई कोई नहीं पड़ ही नहीं सकता, कितना ज्यादा उस पे हो गया काला कोई कोई गया बाकी नहीं पड़ी ऐसे तुरंत मेहनत नहीं है, जैसे अलग में आप 10 किलो डाले इसमें चक्की में जो हमारे हमारा सारा तुम गाला पकड़े बैठते नहीं हम इसको ठहर जाता है तो ये गाइस जैसे इस पर अंदर आएंगे तो अगला बार इसीलिए ये डब्बा के साथ में अगर थोड़ा सा आटा में उसको मिक्स नहीं कर करके डालोगे तो क्वांटिटी ज्यादा हो गया, ये मात्रा ज्यादा हो गया, इसको बढ़िया से हम मिला दिए, मिला करके रॉड से मिला दिए तो वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्स तो हो जाएगा, मिक्स तो हाथ से पहले लगे से उसे होता है, हमारी समस्या ये आ रही है कि जो हम गाला देते हैं ना तक केवल हाथ में गेहूं का गरम हाथ में पकड़ते हैं अभी आप गेहूं के ऊपर डायरेक्ट डाल रहे हो ना प्रीमिक्स को तो वो इसके नीचे वो बता ना वाइब्रेटर नीचे आ जाता है तो वो अटक अटक अटकता है थोड़ा सा, अगर आप इसके साथ आटे में मिला के डालोगे नहीं आएगा वो कम आएगा कहने फिर नहीं अटकेगा तो वाइब्रेशन तो होता है होते डाल दे नीचे वाला ऊपर हम जी आप भी आप करके तो देखो आप करके देखो निकल के बहुत आराम से इधर नीचे आटे में जा सीधा आटा तकलीफ कुछ नहीं है, पर तरीके से नहीं मिलेगा मैं तकलीफ कुछ नहीं है मिलना, जब मिल तो आप फिर उसको समझ आ गया बड़ी हां समझ आ गया क्या होता है वो आपके बार खाना डाल के फिर कहे करेंगे उसको नहीं करके देख रेगुलर चला के बजे उसके ऊपर हमने एमपी में गुजरात में और भी जगह पे किया तो लोगों को फायदा मिला है, मतलब है हां कह रहा है ये किसी चक्कर में आप ज्यादा गलत बनते नहीं उससे खड़े रहते हैं उसे रखो के साथ चलते रहता है गलत बनने के बाद चलते रहता है इसको डालने के बाद तो क्या आगे आगे करते ही नहीं तो हम क्या ऐसे करके देते हैं, लेकिन हम तो कोशिश ही कर रहे हैं आपकी समस्या को आदमी कंफ्यूज में रह जाते हैं कि मैडम आप कौन बना रहे हैं, मैंने इसीलिए करके एक लाइन जोड़ दिया, इन्होंने बताया कि आप लोग आटा बैठ रहा है और पापा के पास और देखो थोड़ा सा शेड्यूल में आप लगा दिए निकल गया सबने इसके अलावा भी संदेह रह गया मोटर भी तो पूरे आटा को एक मुंह भी मोटर लगाया जो नहीं अभी हो यानी कई नो मस्त मानो पड़े ये कई में कह ना लिया ऊपर से अगर एलिमेंट अगर मेरे को मेरा पड़े तो फिर से आगे नहीं आगे कहूं तो उसमें ऊपर से हम केमिकल अगर डाल देते तो बढ़िया से उसको मिक्सिंग नहीं ये सिस्टम अच्छा है ये सिस्टम जरूर है।